Hi, Swapnil. It's such a great honor to see you today. I have known that you have cleared GRF in first attempt, which is huge, which is one of the मतलब सपना होता है खासकर उन लोगों का जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं. So first of all, how does it feel? इतनी मेहनत लगती है JRF क्लियर करने में, and I think it doesn't end there. It goes on. So how does it feel? It feels good. It feels really, really nice because the point is that you are preparing for the best thing, and there are so handful of people who get selected. So yes, to be there, to be able to get it, because getting JRF of course makes your PhD life easier, because you are getting support from the government to pursue your PhD, which is something that you want to do. So financial help कहीं से भी कुछ भी मिलती है तो वो of course बहुत help करती है, बहुत अच्छा लगता है. Exactly, exactly. So it feels great. Correct. तो Swapnil, can you tell me कि आपने कोई ऐसा particular routine था आपका पढ़ाई करने का, कोई plan था जो आप follow करते थे जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपने crack किया होगा? रूटीन तो आई थिंक हर पर्सन का बहुत डिफरेंट होता है. मेरा पर्सनल रूटीन वाज मोर, आई थिंक द वे दैट आई टुक माय स्टडीज कुड बी द रूटीन, कि मुझे पर्सनली ये था कि एमसीक्यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जब तक आप टाइमली एमसीक्यूज नहीं सॉल्व कर रहे हैं और क्वांटिटी में एमसीक्यूज सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा उस टाइम पे इतना अच्छा स्कोर करना. Because आपको ज्यादा स्कोर करना है, आपको एक लेवल के ऊपर जाना है, तो आप जितना ज्यादा सॉल्व करोगे क्वेश्चन आपके लिए वो बेटर होगा. तो मेरा वही रूटीन, मेरा शेड्यूल वाज मोर लाइक फोकसिंग मोर ऑन एमसीक्यूज, एंड फिर जो एमसीक्यू मुझसे नहीं हुआ है तो उनके जो चार ऑप्शंस हैं मैं उन चारों ऑप्शंस को भी फिर एक बार गो थ्रू करती थी कि चलो आंसर तो ए हो गया, बट बी, सी और डी में और क्या क्या था, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर कि अगर उनसे भी कभी कोई एमसीक्यू बने सो आई एम एबल टू हैंडल दैट आल्सो. सो दैट वाज माय थिंग. तो इन ऑल आप बहुत इन डेप्थ प्रैक्टिस करते थे, करेक्ट? अच्छा, वन मोर थिंग, व्हेन यू क्रैक समथिंग विद सच ग्रेट रैंक्स, तो ये एक चीज और सोची जाती है कि आपने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया होगा, है ना? तो वो जो प्रोडक्टिविटी है एवरीडे वो कैसे आती? हाउ वर यू ड्रिवन टू स्टडी फॉर सो लॉन्ग? See, I am not a person. I'm not a desk person personally. ठीक है, it takes time for me to build that कि ठीक है चलो पढ़ाई करनी है. Here there is this Pomodoro technique, 25 minutes of studying, 5 minutes of relaxing. उसका मैंने अपना tweak करके 20 and 10 कर लिया था कि 20 मिनट पढ़ूंगी, 10 मिनट relax करूंगी. तो वो चीज मुझे काफी ज्यादा help करी थी personally कि ठीक है मैंने इतना पढ़ा, उसके बाद फिर मुझे relaxing time भी मिल रहा है. तो दैट डेफिनेटली हेल्प मी, उससे मेरी प्रोडक्टिविटी बूस्ट हुई. और बाकी मेरे टारगेट थे, डेली टारगेट, कि आज मैं दिन में ये 3 चीजें ही करूंगी, वो कर. तो मुझे ये होता था कि जल्दी इनको निपटा लूं ताकि फिर मेरे पास फ्री टाइम होगा. सो दैट इज हाउ आई इंश्योर्ड प्रोडक्टिविटी. डेली टारगेट सेट करना, डेली टारगेट किया और उसके बाद फिर ठीक है अब आराम है, नाउ यू कैन फोकस ऑन अदर थिंग्स. दैट वाज माय रूल. डेली टारगेट होता था तो ये टू डू लिस्ट की तरह होता था कि आज मुझे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल टू डू लिस्ट. So what were the biggest challenges that you faced during this whole preparation thing? Can you give 3? I only want 3. Okay. I think पहला challenge तो यही होता है अपने आप को motivated रखना. ठीक है, एक टाइम के बाद इतना monotonous हो जाता है क्योंकि सेम चीज है, आप उसको बार 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 पढ़ रहे हो, तो वो एक इशू बन जाता था कि आप अपने आप को मोटिवेटेड रखो. तो आई यूज्ड टू टेल माय सेल्फ कि ऑफ कोर्स दिस इज द हार्ड फेज ऑफ लाइफ, ये अभी कर लिया तो इससे बाद में बहुत अच्छा रहेगा. आपके आने वाले 5 साल तक यू कैन अवेल JRF स्कीम, सो वो आपके बेटर हो जाएंगे. तो एक वो फ्यूचर गोल केप्ट माय दिस चैलेंज एट बे कि ठीक है कर लेंगे प्रोडक्टिविटी. दूसरा मेरा चैलेंज था विथ रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट कि बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आप लॉ पे तो फोकस कर लेते हो, पार्ट 1 पे आपका फोकस थोड़ा कम हो जाता है. तो पार्ट 1 के बारे में पढ़ना थोड़ा सा चैलेंजिंग था कि आप उसको भी टाइम दो, उसको भी इक्वल इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि होता क्या है कि JRF में मिनिमम यू शुड गेट 70 to 80, 75 नंबर इन लॉ एंड द अदर 30, 35 और 40 इन योर पेपर 1. तो वो वहां पे एम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट था, तो उसके लिए मैंने पेपर 1 की तैयारी करी स्पेशली. तो आई थिंक मेजरली यही 2 थे. बाकी तो फिर वही होता है कि कैसे रोज बस बैठो पढ़ाई करो, वो I think these were the two main challenges. You have to push yourself every day to study क्योंकि कोई है नहीं अब push करने वाला, वो वाला student life जा चुका है जहाँ teachers, mentors, guidance मिलता था. Yes, तो वो shift होता है, वो हर किसी के लिए difficult होता है. I guess we need time to mature, है ना? Yeah, yeah, exactly. To understand ourselves that we need to do it for ourselves. तो वो factor. अच्छा, which resource or which book, like you can give me one resource, the one star element of your पढ़ाई जो जिसने आपके पढ़ाई में बहुत बड़ा difference create किया हो. It can be mocks, it can be anything. This stark जो चीज थी, that was previous year questions. Yes. No book, no nothing can give you as good a outlook of an exam as the previous year questions. हाँ, फिर आप previous year questions solve कर रहे हो, फिर doubt हो रहे हैं, तो आप books पे जाओगे, अपने notes पे जाओगे, उसको tackle करोगे. पर बिना previous year question के net का exam में आप JRF attain करना, it's for me, I personally feel it is next to impossible because you need to get a grasp कि क्या आ सकता है, क्योंकि वो ऐसी guidance है जो कोई इंसान उनको नहीं दे सकता. However much do you try, वो previous year paper आप कोई भी exam दे रहे हो, वो first step होना चाहिए आपका कि आप previous year question paper देखो, ताकि first of all coachings आप कुल्लू ना बना पाए, है ना? कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ का कुछ कर रहे हैं. उसके अलावा मॉक्स आप कुल्लू ना बना पाए कि कैसा भी मॉक आ रहा है आप दे रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए. You should be very familiar with what you're doing. True, true, very nicely put. Yeah. Are there any particular topics that you prioritized obviously in the part 2 of the paper, law के paper के लिए क्या आपने कुछ ऐसा था जो prioritize करके पढ़ा था? मेरा आंसर यहाँ पे बहुत डिफरेंट होने वाला है. तो एक होता है कि कुछ चीजें जो आती हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, कॉन्स्टी से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्रिमिनल लॉ से आपके क्वेश्चन आएंगे, आप उन चीजों को कवर कर ही रहे होते हो, आपको कोचिंग्स वो पढ़ा रही होती है, बुक्स में आपको मेजर पोर्शन में वो दिख रहा होता है, आपने जिंदगी में भी अपने LLB, LLM में उनको ज्यादा पढ़ा होता है. हाँ. तो वो एनीवेज मेजर है, वो आपको पता है, वो दुनिया को पता है, वो सबको पता है. तो मेरे लिए फोकस होता था उन स्मॉल पे, जैसे NI एक्ट हो गया, ठीक है, IT एक्ट हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, छोटे छोटे से हैं पर लगता है कि अरे बहुत पढ़ना पड़ेगा, एंड पीपल टेंड टू लीव देम. व्हाट आई फोकस्ड वाज कि इनमें से भले दो ही क्वेश्चन आएंगे, NI से दो क्वेश्चन आएंगे, पर वो दोनों क्वेश्चन NI का जो इंडेक्स एक्ट का इंडेक्स होगा उसी से आएंगे. वो इंडेक्स पढ़ने में आपका आधा घंटा भी नहीं लगेगा. एग्जैक्टली, आपको बस वो इंडेक्स ही तो पढ़ना है. तो वो आपका एम होना चाहिए कि आप ये जो श्योर शॉट वाले क्वेश्चन है ये सेकेंडरी होते हैं, लोग इनको लीव कर देते हैं. आई मेड श्योर कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगी. दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच विल गेट मी नंबर. तो इस वजह से मेरा ये था कि यहाँ पर ये छोटे छोटे में जिनमें बहुत कम टाइम जाएगा, बहुत सारे हैं पर कंपैरेटिवली कम टाइम जाएगा, उनको करके उनको अपने पॉकेट में रख लो क्योंकि ये आपको ब्राउनी पॉइंट्स देंगे बाद में. परफेक्ट है. अच्छा, इसके साथ ये भी होता है ना कि अगर किसी बच्चे ने अच्छे से ये छोटे छोटे एक्ट्स पढ़े होते हैं, IT एक्ट, NI एक्ट, LLB, LLM के टाइम पे, तब वो इतना ज्यादा काम आता है अभी कि आप सिर्फ रिवाइज भी करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत पढ़ लिया है. एंड रिविजन मैक्सिमम कितने दिन, 4-5 दिन मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ. ट्रू, वेरी ट्रू. अगर आपने LLB, LLM में ढंग से पढ़ा है तो इट विल हेल्प यू, डेफिनेटली हेल्प यू 100%. वो तो है ही, बिल्कुल. अच्छा, टू सम इट ऑल अप, आप ऐसी क्या 5 एडवाइसेस दोगे स्टूडेंट्स को जिसके वजह से दे कैन ऑल्सो डू व्हाट यू हैव डन? ओके, सी, ओके, 5. The very first advice would be to keep yourself engaged. Never to lose hope or motivation or anything. आप अपने आप को engaged रखो. आप वो जो आजकल सोशल मीडिया पे भी है बहुत मैनिफेस्टेशन वाली चीज, उस मैनिफेस्टेशन का बहुत अपना जेनरिक वर्जन ये होता है दैट वी आर होपफुल टुवर्ड्स द फ्यूचर. आप वो रखिए, एक होपफुल एटीट्यूड रखिए. आप पॉजिटिव होंगे तो आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा, आपका काम भी पॉजिटिव होगा और रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड, बी वेरी होपफुल. द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज शायद ये बेसिक एक्सेप्टेंस से आ जाएगा कि ये जो जर्नी है इट्स अ लॉन्ग जर्नी एंड आपको उसके थ्रू जाना पड़ेगा इफ यू वांट टू डू समथिंग ग्रेट. बिल्कुल, हाँ, हार्ड जर्नी है, लॉन्ग जर्नी है, बट हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, बस लूज नहीं करना है आपको होप, हो जाएगा. तो पहला यही है। दूसरा मेरा पॉइंट है रिविजन को लेके। रिविजन इज समथिंग दैट यू कैन नॉट लीव, आपको रिवाइज करते चलना है। आप अलग अलग टेक्निक्स यूज कर सकते हो। मेरा पर्सनल जैसे क्योंकि एमसीक्यूज आते हैं तो उनको हम वन लाइनर समझ सकते हैं। पूछा जाता है कि कोई भी बेसिक आप केस ले लो, ठीक है, कि गोल्डन ट्रायंगल रूल किसमें आया था? मेनका गांधी के केस में आया था। बेसिक एग्जांपल अब पर याद करने के लिए मुश्किल हो रहा है, तो मैं फ्लैश कार्ड्स बनाती थी। चार्ट पेपर को फाड़ के मैंने एक स्क्वायर ले लिया, रेक्टेंगल ले लिया, एक साइड पे लिखा है गोल्डन ट्रायंगल, दूसरे साइड पे मैंने मेनका गांधी लिखा है, और ऐसे बहुत सारे कार्ड्स हो गए। शफल करके मैंने एक चिट उठाई और जो ऊपर की तरफ मुझे दिख रहा है गोल्डन ट्रायंगल, मैं गेस करूंगी कि इसके पीछे मेनका गांधी होगा। आई टर्न इट, आई सी आई एम करेक्ट। तो इस तरीके से दिस वाज वन टेक्निक व्हिच रियली हेल्प्ड मी विद रिस्पेक्ट टू रिवीजन। फन गेम जैसा लगता था, चिट्स उठा रहे हैं, चिट्स उठाई, आंसर गेस किया, जो होता जा रहा है उस चिट को आप डिस्कार्ड करते जा रहे हो, जो तब भी नहीं आ रहे हैं आप उनको साइड में रखते जा रहे हो। सो दिस रियली हेल्प्ड मी, दिस वाज लाइक अ इनोवेटिव वे ऑफ रिवाइजिंग। You can do it with all subjects also. Yeah, exactly. It can be done with all kinds of subjects. आपको one liners ही, इस साइड कुछ और लिखना है, उस साइड कुछ और लिखना है, बस क्योंकि आप रोज कॉपी लेके बैठोगे, रिवाइज करोगे तो मोनोटोनस हो जाएगा। तो इस वजह से मैं ये और कुछ ना कुछ करती रहती थी कि दीवार पे चिपका के रख लिया, फ्लैश कार्ड बना लिए, क्योंकि रिविजन आप नहीं छोड़ सकते, वो करना ही है। तो सेकेंड पॉइंट इज दिस। थर्ड पॉइंट इज एमसीक्यूज। यू कैन नॉट लीव एमसीक्यूज। आप शादी में जा रहे हो, आपकी उस दिन छुट्टी है, कुछ भी है, आप दिन के कम से कम, हाँ एग्जैक्टली, खुद की शादी भी है तो भी दिन के आपको कुछ ना कुछ एमसीक्यूज तो करने ही है। मैंने अपने लिए पर्सनली 50 एमसीक्यूज रखे थे कि मिनिमम है, मैक्सिमम तो जितने कर लो अच्छी बात है, पर वर्स्ट केस सिनेरियो में भी एक दिन में आप 50 एमसीक्यूज सॉल्व करिए। इससे आपकी आदत बनी रहेगी, आपको वो बोर नहीं होगे, आपको पता होगा, पढ़ाई आपके माइंड में रोज घूमती रहेगी। Correct, तो correct. ये तीसरी चीज हो गई है विथ रिस्पेक्ट टू एमसीक्यू सॉल्विंग। द फोर्थ पॉइंट दैट आई वुड से इज डू नॉट लीव पेपर वन। आप लॉ के स्टूडेंट हो, आप लॉ पढ़ रहे हो, पर आप पेपर वन को साइडलाइन नहीं कर सकते। जेआरएफ अगर आप एम कर रहे हैं, पेपर वन इज द होली ग्रेल फॉर यू, यू विल हैव टू फोकस देयर। करेक्ट। आई थिंक मैं 5 की जगह 4 ही पे रखूंगी, मुझे और कुछ अभी याद नहीं आ रहा है। सो आई थिंक दीज वर द 4 पॉइंट्स जिसपे मैंने मेजरली फोकस किया, और इससे मुझे लगता है कि बहुत हेल्प मिलती है कि आपको पता है कि क्या क्या करना है। हाँ, लास्ट पॉइंट पे मैं आपके ये भी बोलना चाहूंगी कि जैसे लॉ का तो एग्जाम ऐसा है कि लॉ हमने पढ़ा हुआ है, वी आर मच मोर फेमिलियर विद इट देन पेपर वन। तो पेपर वन में तो एकदम नई नई चीजें आती हैं, टीचिंग एबिलिटी और ये और वो, तो उन सब तो और ही डिफिकल्ट है। करेक्ट, एग्जैक्टली। उसको तो और अच्छे से, उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि जब भी इसकी पढ़ाई करने कोई व्यक्ति बैठता है तो आपने 50 एमसीक्यूज तो करना है एवरीडे, क्या थोड़ा सा टाइम पेपर वन के लिए अलग से निकालना चाहिए दिन में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही पॉइंट रेस किया। मेरे पर्सनल रूटीन में भी ऐसा था कि मैं टाइम डिवाइडेड था, वही जो टू डू लिस्ट मैंने बताई थी, आई कुड मेक इट द 5th पॉइंट कि आपका एक दिन का डेली टास्क या टू डू लिस्ट हो, उसमें आप रिस्पेक्टिवली थोड़ा सा टाइम पार्ट वन को दीजिए, पेपर वन को। आपका थोड़ा पार्ट उस लॉ के लिए जाएगा और थोड़ा पार्ट आपका एमसीक्यू और रिवीजन के लिए जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरा चारों चीजों को रोज लेके चलो। मैं ये भी नहीं कह रही कि रोज बहुत पढ़ो, पर पढ़ो रोज, आपकी थोड़ी पढ़ाई होनी चाहिए। मुझे लगता है 5 hours is more than enough. Definitely, even I agree to this. 5 hours is more than enough. You keep 1 for revision, 1 for MCQ, 1 for studying both the subjects, 1 and 1 respectively. 4 घंटे हो गए आपको और पढ़ने का, मैंने 5 पढ़ लो बस, नहीं चाहिए उसमें, इतने में हो जाएगा। बट वही है कि दिमाग से पढ़ो। हाँ, okay ma'am, thank you very much. I hope this video helps a lot of people, and if it does help, they thank us in the comments because we deserve it, and I will keep talking to you, I will keep asking you questions, because we all need your help with UGC, because what you have done is tremendous and we want more people to reach those heights. Congratulations to you and all the best to all our viewers. Thank you ma'am, and see you next time. Bye. Bye bye.